वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फुटबॉल, हॉकी और ये बैडमिंटन जितने भी गेम्स वगैरह होते हैं, तो इनके जो ट्रॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, कप वगैरह होते हैं, तो उनको याद करने की कुछ ट्रिक देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में मेन पूछे जाते हैं। ट्रॉफ़ीज़ वगैरह मैंने उनको कवर किया हुआ है, तो उसकी ट्रिक्स देखेंगे याद करने की। फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, इनके ट्रॉफ़ी, कप जो भी होते हैं, उनको याद करने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, तो उस ट्रिक से हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैडमिंटन कप से। बैडमिंटन कप, तो अब बैडमिंटन कप तो ऐसे बहुत सारे बैडमिंटन कप होते हैं, लेकिन हमको वो याद रखने हैं जो मेनली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो मैंने सिर्फ वही कवर किए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो हाइलाइटेड रहते हैं वो तो हमको पता रहते हैं, लेकिन जो हाइलाइटेड कप नहीं रहते, जो बहुत छोटे लेवल पे या कभी कभी होते हैं, तो वो एग्ज़ाम में पूछते हैं और हम उनमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि आखिर ये किसके लिए था। तो हम देखते हैं, तो इसके लिए जो मैंने ट्रिक बना रखी है, ट्रिक क्या है, ए दीवाने सुर में थमके नाच, ए दीवाने सुर में थमके नाच। मतलब ये एक तरीके का कुछ स्टेटमेंट बना दिया कि ए दीवाने सुर में थमके नाच। बैडमिंटन, जैसे ही बैडमिंटन का कुछ भी गेम आए तो हमको दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए ए दीवाने सुर में थमके नाच। तो इसमें अब एक चीज़ देखने वाली है कि ये जो रेड रेड कलर से जो मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं, मतलब दीवाने सुर थम और नाच, तो ये जो रेड है तो ये ट्रिक है। मतलब इनमें इनके वर्ड से स्टार्ट होंगे आपके कप के नाम, ये ब्लैक वाले सब्स्टिट्यूशन वर्ड है, मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस उसको थोड़ा सा, कि मतलब एक रिदम बन जाएगी ए दीवाने सुर में थम के नाच। अगर मैं उनको ना लेता तो सर दीवाने सुर थम नाच मतलब अच्छा नहीं लगता, तो ए दीवाने सुर में थम के नाच, तो इस टाइप से। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ट्रॉफी होते हैं। तो सबसे पहले है दीवान, दीवाने था ये आपका, दीवाने था, तो दीवाने से क्या हो गया आपका दीवान। तो दीवान का क्या है, अमृत दीवान कप। तो जैसे ही अगर पेपर में पूछता अमृत दीवान कप, तो हम याद करते अरे बैडमिंटन का कोर्ट क्या था, ए दीवाने सुर में थमके नाच, तो दीवाने दीवान से क्या हो गया अमृत दीवान कप। नेक्स्ट देखते हैं सुर, सुर का हमारे पास है क्या, सुर का है ये सु, तो सु में क्या आ रहा है सुधीरमन कप, क्या रहा है आपका सुधीरमन कप, तो सू से हो गया आपका सुधीरमन कप। फिर रा से हो गया रहमतुल्ला कप, रहमतुल्ला कप जो होता है ये आपका बैडमिंटन में होता है, कौन सा रहमतुल्ला कप बैडमिंटन में होता है। था से थॉमस कप, थॉमस कप भी जो है, थॉमस कप काय में होता है आपका बैडमिंटन में होता है, थॉमस कप बैडमिंटन में होता है, थम से हो गया थॉमस। अब नाच में होगा ना, ना से होगा नारंग कप, नारंग ट्रॉफी या नारंग कप भी जो होता है वो काय में होता है बैडमिंटन में होता है आपका। फिर अगला देखते हैं, अगला क्या है चा, चा से होता है चड्डा कप, चड्डा कप होता है आपका बैडमिंटन, बैडमिंटन में आप देखते हैं लोग चड्डा पहन के खेलते रहते हैं, तो चड्डा कप हो गया आपका चा से। तो क्या हो गया अपना, दीवान से हो गया अमृत दीवान कप, सू से हो गया सुधीरमन कप, आर से हो गया रहमतुल्ला कप, थम से हो गया थॉमस कप, ना से हो गया नारंग कप, चड्डा से हो गया मतलब चा से हो गया चड्डा कप। तो ये हो गया क्या हमारा बैडमिंटन कप। बैडमिंटन का क्या देखा अपन ने, ए दीवाने सुर में थमके नाच। अगला देखते हैं फुटबॉल कप, फुटबॉल कप के लिए क्या है, इसकी ट्रिक है एक लड़के ने रोस में आकर सुड से आम तोड़े। तो एक कोई लड़का था, उसको गुस्सा आ गया, वो रॉस में आ गया, रॉस टेलर टाइप का रॉस में आ गया, और आकर उसने क्या किया, सुड से आम तोड़ डाले, पूरे जितने भी आम थे सुड में पूरे आम तोड़ डाले। तो इसमें जो लाल से किया हुआ है वो आपके कोड है मेन। तो देखते हैं सबसे पहले रो से है रोवर्स कप, रॉस में रो से हो गया रोवर्स कप, सात से हो गया संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी मेनली पूछा जाता है VFJ के एग्ज़ाम में, व्हीकल फैक्ट्री के एग्ज़ाम में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एग्ज़ाम्स में, SSC में, रेलवे में, संतोष ट्रॉफी हमेशा वो पूछते ही हैं। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल कप। सू से क्या हो गया आपका सुब्रतो कप, सू से हो गया सुब्रतो कप, जो सूड है तो उसका सू से हो गया सुब्रतो कप। फिर देखते हैं ड से क्या हो गया डूरंड कप, डूरंड ट्रॉफी भी आता है नाम करके, या डूरंड कप, तो डूरंड ट्रॉफी या डूरंड कप ये फुटबॉल से रिलेटेड है, तो ड से हो गया डूरंड कप। फिर आम के आ से हो गया आशुतोष कप, आ से क्या हो गया आशुतोष कप, ये फुटबॉल में, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आशुतोष फुटबॉल खेलता है, तो आशुतोष कप इससे भी याद हो जाएगा कि आशुतोष फुटबॉल खेलता है, इस टाइप से।
फिर हो गया मास, हो गया मर्डेका कप। मर्डेका कप जो है आपका बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, बहुत पूछता है। एक मर्डेका कप जिसमें हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि फुटबॉल से होगा, तो एक हो गया मर्डेका कप और एक हो गया ये आपका संतोष ट्रॉफी। ये मेनली हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, एसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया, रेलवे हो गया, तो इन सब एग्जामों में ये जरूर पूछते हैं। तो हमको कोड क्या याद रखना है, एक लड़के ने रॉस में आकर सूट से आम तोड़े। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट कप। फुटबॉल हो गया अपना, अब हम क्रिकेट पे आते हैं। तो क्रिकेट के तो मेनली अधिकतर याद रहते हैं, लेकिन कुछ जो हमने नहीं सुने हैं उनके बारे में हम देखते हैं जो एग्जाम्स में पूछते हैं। तो कोड है, दिलीप ने रईस को झांसा दे दिया। मतलब कोई रईस नाम का व्यक्ति था, उसको दिलीप ने झांसा दे दिया। रईस था भाई, पैसे ज़्यादा थे, उससे पैसे लूट लिए, तो दिलीप ने रईस को झांसा दे दिया। तो यहाँ पे भी मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है, तो दिलीप, रईस और झांसा दे, ये इनसे ट्रॉफी के नाम आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दिलीप, दिलीप से है सबसे पहले दिलीप ट्रॉफी जो कि क्रिकेट में होता है, तो दिलीप ट्रॉफी हो गया। फिर उसके बाद रा, रा से क्या है, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा कैसे, मतलब क्या है रणजी ट्रॉफी, तो रणजी क्रिकेट में होता है। ई से हो गया ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी हमने नहीं सुना है, तो ईरानी ट्रॉफी एग्जाम में पूछा जाता है। दिलीप ट्रॉफी पूछता है, वो ईरानी ट्रॉफी पूछता है, रणजी ट्रॉफी नहीं पूछता, लेकिन ईरानी ट्रॉफी पूछता है। तो ईरानी ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट। सा, सा से सी के नायडू कप। सी के नायडू कप या सी के नायडू ट्रॉफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी के नायडू हमेशा वो पूछते हैं, क्योंकि सी के नायडू एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। तो सी के नायडू ट्रॉफी, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। फिर झां से है झांसा, झांसा से है झांसी रानी ट्रॉफी। झांसी रानी ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट में होता है। उसके बाद दे, दे से है देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से होता है। तो इसमें आपको जो मेन याद रखने हैं, एक ईरानी ट्रॉफी आपको याद रखना है, सी के नायडू ट्रॉफी याद रखना है, और दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी और सी के नायडू सबसे ज़्यादा आईएमपी है, फिर उसके बाद ईरानी ट्रॉफी और फिर दिलीप ट्रॉफी। तो ये अगर आपको कोड याद हुआ कि दिलीप ने रईस को झांसा दे दिया, तो इससे आपको क्रिकेट के ये याद हो जाएंगे। अब देखते हैं हॉकी कप। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, अब देखते हैं हॉकी कप। तो हॉकी के लिए हमने क्या ट्रिक बना के रखा है, आगा खाने रंग बांटे महाराजा ध्यानचंद्र इंदिरा नेहरू के संग। मतलब कोई आगा खान का व्यक्ति था, उसने रंग बांटा। होली आने वाली है वैसे भी, अपना 23 मार्च को होली है, तो आगा खान ने होली के दिन क्या किया, रंग बांटा किसके साथ, महाराजा ध्यानचंद और इंदिरा गांधी नेहरू के साथ मिलके। तो अब इसमें जो रेड रेड से मैंने हाईलाइट किए हैं उनसे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आगा खान। आगा खान से है सीधे आगा खान कप, तो आगा खान हॉकी से रिलेटेड है, तो आगा खान कप हॉकी। फिर अगला देखते हैं रंग, रंग से है रंगा स्वामी, वह मोस्ट आईएमपी, रंगा स्वामी हमेशा ही पूछता है वो, क्योंकि आगा खां भी पहले पूछा जाता था, लेकिन आजकल आगा खां पेटेंट नहीं रहा, अब रंगा स्वामी पूछते हैं। तो रंगा स्वामी रिलेटेड टू हॉकी कप। अगला देखते हैं बांटे, बांटे से बेटन कप। बेटन कप भी हॉकी में मिलता है क्या, बेटन कप हॉकी में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं महाराजा, महाराजा रणजीत सिंह कप। महाराजा रणजीत सिंह कप होता है आपका हॉकी में। फिर उसके बाद ध्यानचंद, ध्यानचंद कप तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे हॉकी के, तो ध्यानचंद कप ये भी हॉकी से रिलेटेड है। फिर इंदिरा, इंदिरा से हो गया इंदिरा कप, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। नेहरू, नेहरू से हो गया आपका नेहरू कप, और संघ से हो गया सिंधिया कप। तो इंदिरा कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, महाराजा कप, बेटन कप, स्वामी रंगा कप, आगा खां कप, तो ये ऑल रिलेटेड टू हॉकी। हॉकी तो हमको कोड क्या याद रखना है, आगा खाने रंग बांटे महाराजा ध्यानचंद और इंदिरा नेहरू के साथ। तो अगर ये आपको कोड याद है, तो आप इजीली एग्जाम में क्रैक कर सकते हो कि कौन सा कप किससे रिलेटेड है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और भी जो ट्रिक्स आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसकी ट्रिक बना के आपको वीडियो दूंगा, तो आप देख सकेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियो डालूंगा, तो आपको ईमेल के माध्यम से पता चल जाएंगे कि मैंने कौन सा वीडियो अभी अपडेट किया है, तो आप इजीली उसको देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।